योनसु के घर में एक ऐसा मॉन्स्टर आ जाता है जिसके ऊपर का माला बिल्कुल खाली था। मॉन्स्टर देख नहीं सकता था, पर उसके सुनने की क्षमता इतनी तेज थी कि वो 50 फीट दूर से भी आपकी सांस लेने की ध्वनि सुन सकता था। इसलिए योनसु अपनी सांसों को रोक लेता है। योनसु मॉन्स्टर को मारने के लिए धातु की रॉड उठाता है, तभी माइक से ध्वनि आने लगती है जिसे मॉन्स्टर नष्ट कर देता है। मॉन्स्टर को यहाँ किसी के होने का एहसास नहीं होता तो वो दूसरे कमरे में चला जाता है। योनसु अपनी रक्षा के लिए धातु की रॉड में चाकू बांध लेता है, जिसे उसका पड़ोसी बैटरी लगाकर मॉडिफाई कर देता है, जिसमें बिजली दौड़ने लगती है। योनसु अपना अस्त्र लेकर घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी योनसु को मॉन्स्टर दिखाई देता है, इसलिए वो लिफ्ट में छुप जाता है। पर लिफ्ट में बहुत मक्खियां थी, जिसकी ध्वनि सुनकर मॉन्स्टर भी यहां आ जाता है। किंतु इस बार योनसु अपने अस्त्र से मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, पर मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो योनसु को मारने लगता है, पर योनसु बच जाता है। योनसु बॉल फेंक कर मॉन्स्टर को भ्रमित कर देता है और अवसर पाकर मॉन्स्टर का भेजा फ्राई कर देता है। दोस्तों, क्या आपने भी कभी कठिन परिस्थितियों का सामना किया?